अमित शाह जब यहां पर पहुंचे हैं उस दौरान की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई हैं। ये आप देख रहे हैं, अमित शाह हैं, उनके साथ पीयूष गोयल दिख रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी दिख रहे हैं और कुछ ही देर में पार्थिव शरीर यहां पर लाया जाएगा रतन टाटा का और फिर विधिवत अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो शुरू होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते हैं, यानी कई लोग यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वर्ली शमशान घाट पर ये सभी लोग पहुंच गए हैं जहां पर अंतिम संस्कार की वो जो पूरी प्रक्रिया होती है अब वो शुरू की जाएगी। सूरज भी वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी। सूरज, क्या देख पा रहे हैं आप और कुछ जानकारी अगर आपके पास हो? जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने विजुअल्स में साफ तौर पर देखा कि यहाँ पर अमित शाह भी पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उप मुख्यमंत्री भी राज्य के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी फ़िलहाल अमित शाह परिवार के कुछ लोग हैं जो अंदर इसी स्मशान में मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही आप मेरे लेफ्ट तरफ आप देख रहे होंगे, ये जो आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा है ये गन सल्यूट टीम है मुंबई पुलिस की, जो जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तब यही वो टीम होगी जो गन से सल्यूट उन्हें देगी। तो ये फिलहाल अमित शाह अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इंतज़ार में हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप सामने से जो रास्ता देख रहे हैं इसी रास्ते से रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा जो कि फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रतन टाटा के जो बेहद करीबी हैं परिवार के, वक्त कितना लग सकता है? जो फिलहाल जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ ही मिनटों में रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें लाया जा रहा है वो पूरी तरह से क्लियर कराया गया है, ट्रैफिक से फ्री कराया गया है। आप विजुअल्स में देखिए, विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वो लोग हैं जो रतन टाटा के बेहद करीबी लोगों में से हैं, उन्हें स्कॉट करते हुए मुंबई के स्पेशल CP देवेन भारती लेकर आते हुए आपको विजुअल्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये स्मशान भूमि के अंदर एंटर कर रहे हैं जो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने रतन टाटा को बेहद करीबी से देखा है, उनके साथ कई समय बिताया है, वो सारे लोग यहाँ पर नम आंखों से आते हुए आपको दिखाई देंगे और भारी मात्रा में पुलिस बल। ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए सूरज, लेकिन गणेश एक बात ये भी है, कैसे रतन टाटा हर घर में टाटा ग्रुप को पहुंचा गए इसकी वानगी है कि सुबह अलार्म बजाकर उठाने वाली घड़ी हो, सुबह की चाय की कॉफ़ी हो, वेबसाइट के कपड़े हो, टाटा की कार हो, बस हो, शादियों में तनिष्क के गहने हो, टाटा क्रोमक के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, पासपोर्ट सेवा हो, वोल्टास AC हो, टाटा संपन्न के दाल मसाले हो, एयरलाइंस हो, होटल हो, मतलब आप गिनते जाइए और जीवन के जिस भी क्षेत्र में जहाँ आप कुछ चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं टाटा जुड़ा हुआ है उससे। जी देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है रतन टाटा ही। रतन टाटा कुछ देखते थे उसके बाद तुरंत ही उस पर नतीजा वो लेते थे या निर्णय लेकर उस पर काम टाटा समूह करता था। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, टाटा समूह जब रतन टाटा महाबलेश्वर गए थे तो वहाँ पर कुछ किसानों ने आकर ये कहा कि वहाँ स्ट्रॉबेरी की फसल अच्छी हो सकती है लेकिन उनके पास उस फसल को उगाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो एक बिजनेस बिल्डअप मॉडल तैयार करना है, वो नहीं हो पा रहा है। रतन टाटा ने अपने समूह के अधिकारियों को बुलाकर महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, उस पर काम किया और कुछ महीनों या कुछ साल में ही वहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्मिंग बढ़ी हुई। आज स्ट्रॉबेरी के लिए महाबलेश्वर जाना जाता है। वहीं तमिलनाडु में जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क वहाँ अच्छे पैमाने में बनता है, उसकी वजह भी रतन टाटा है। रतन टाटा ने फ्रांस से जो सिल्क के कीड़े लगते हैं वहाँ उसकी फार्मिंग करने के लिए, वो वहाँ पर उनके समूह में लाए। मैं मुंबई की बात करता हूँ, करीब करीब कुछ साल पहले टीटो और टैंगो नाम के उनके दो जर्मन शेफर्ड थे, उनको बेहद प्यार करते थे, अपने सदस्य की तरह रखते थे। टीटो बीमार पड़ गए और वो उन्हें बचा नहीं सके, मुंबई में अस्पताल नहीं था, वो खुद BMC में गए, वहां जाकर उन्होंने जमीन मांगी और अस्पताल खड़ा किया। जहां जहां कमी दिखती थी वहां वहां रतन टाटा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गणेश आप दे रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन जरा NCPA चल लेते हैं। मृत्युंजय मेरे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या पार्थिव शरीर वहां से रतन टाटा का रवाना हो चुका है?
जी बिल्कुल, एनसीपीए से जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हुए काफ़ी समय हुआ और पुलिस ने प्रयास किया था कि दोनों तरफ के रास्ते बंद किए जाएंगे और जो गाड़ियों का काफिला है उसे तुरंत निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सड़कों के दाएं और बाएं दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे जो नमन करना चाहते थे और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि रतन टाटा जी के लिए अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहते थे। भावनाएँ किस प्रकार की व्यक्त करते हैं जरा देख लीजिए। जन्मदिन रतन टाटा जी का 28 दिसंबर को होता है। 50 रुपए की एक नोट है जिस पर 28/12/1937 या उनका जो जन्म तिथि है वो 50 रुपए की नोट इन्हें मिली और ये तोहफा देना चाहते थे रतन टाटा सर को मिलकर। ये प्यार है, इसे फ्रेम करके रखा था और इस उम्मीद में थे कि जब दिसंबर महीने में रतन टाटा जी का जन्मदिन आएगा तो सौभाग्य मिलेगा और उनसे मिलकर इस प्यारी सी तस्वीर को, इस पोर्ट्रेट को देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब देखिए इनके जीवन में किस तरह से टाटा या रतन टाटा जी जुड़े हुए हैं। आपकी माता जी का इलाज चल रहा है कैंसर? मेरी मम्मी है, उनका इलाज चल रहा है लास्ट 2 साल से खारगर के टाटा हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ पे पर्सनली काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है कैंसर पेशेंट के स्पेसिफिकली इतना बहुत ज़्यादा है कि जो दवाइयाँ बाहर काफ़ी महंगी मिलती है वहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिलती है। तो यही संक्षिप्त में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों की बात हो, योगदान चैरिटी हो, इन तमाम चीज़ों की बात की जाए, रिसर्च के लिए इतना धन वो देते थे शायद ही कोई उद्योगपति इस तरीके से लोगों के लिए काम करता हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।